उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए इस साल फायदे का सौदा रहा। रेलवे ने इस साल फरवरी तक 6,598 करोड़ रुपए की कमाई की। ये पिछले साल से 27.07% अधिक है। हालांकि यात्री भार से माल का लदान रेलवे के लिए फायदे का सौदा रहा। यात्री आय से रेलवे ने 2,543 करोड़ रुपए और माल लदान से 3,342 करोड़ रुपए की कमाई की। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार, इस बार रेलवे ने विजय शर्मा महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्देशन में संरक्षा, समय पालन, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने और निर्माण व विद्युतीकरण कार्यों को लक्ष्य अनुसार पूरा करने पर विशेष बल दिया। इसी के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस साल फरवरी तक 6,598 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय अर्जित की है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष फरवरी माह तक लगभग 6,600 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय अर्जित की है। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो यात्री आय में 2,543 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है और इसी तरह माल भाड़े में 3,342 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है, जो फरवरी माह तक एक कीर्तिमान है। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में संरक्षा, समय पालनता, आय, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे विशेष बल दिया जा रहा है और इन्हीं का यह परिणाम है कि आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे जो नॉन फेयर रेवेन्यू के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे रेल कोच रेस्टोरेंट होते हैं, ब्रांडिंग स्टेशनों पे जो करते हैं, कोचेज में जो ब्रांडिंग होती है, इन सब पर एक विशेष बल दिया जा रहा है और हम एक ड्राइव के मोड में इसको हम कर रहे हैं ताकि हम उत्तर पश्चिम रेलवे में न सिर्फ आय की बढ़ोतरी हो बल्कि पैसेंजर सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी कर सके। इसी तरह अगर हम टिकट चेकिंग की बात करें तो उसमें भी हमारी आय में बढ़ोतरी हुई है और बे टिकट जो यात्रा सफर कर रहे हैं उन पर भी अंकुश लगाने के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा प्रयास है कि हम न सिर्फ यात्रियों को एक बेहतर सुविधा प्रदान करते रहें बल्कि एक नया कीर्तिमान भी आय अर्जन में करते रहें।